सो मैं ये बोल रहा था कि सोना भी जरूरी है, क्योंकि सोऊंगा नहीं तो फिर ड्राइव कैसे करूंगा आरव से मिलने के लिए। मैं जा रहा हूँ थर्सडे मॉर्निंग को आरव से मिलने के लिए। नारो को बाय कर दे उसको। बाय कर दे बाय। अरे बाय बोल दो बेटू। चलो ठीक है बाय। हम आ गए और लाइट लग गई, मतलब पेट्रोल पंप की। सबसे पहले पेट्रोल हम ही भरेंगे, इनकी बोनी जो है हम करने वाले हैं। क्या दिन की शुरुआत होगी। आई होप मैं आपको दिख रहा हूँगा। फाइनली चले हम रतलाम को, जैसे कि हमने सोचा था, थोड़ी खुशी थोड़ा गम के साथ। तो सुबह के 5:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं, और ज़्यादा सुबह निकल के भी आई थिंक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बारिश आ रही है और ऊपर से रात के समय उतना विजिबिलिटी क्लियर होती भी नहीं है। चलो अभी हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद आराम से स्पॉट्स पे मिलेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग रुकते हैं वहीं पे मिलते हैं। अभी ये रोड खाली है क्योंकि अभी हाईवे लगा नहीं है, इसी वजह से। जैसे हाईवे लगेगा हमें इतना एम्प्टी रोड नहीं मिलेगा, बट ग्रीनरी देख के दिल खुश हो गया। एक तो इतना प्यारा ठंडा ठंडा मौसम है, पूरी आंखों की थकान दूर हो गई, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। कुछ पल के लिए अच्छा रोड आता है 2-3 किलोमीटर, फिर वापस से 500 मीटर के लिए ख़राब रोड आता है। सो जितना हम ये 2-3 किलोमीटर में ठीक ठाक चल लेते हैं, 60-70-80 के आसपास, इससे ऊपर तो नहीं जाते, वो पूरा 500 मीटर में ख़त्म हो जाता है। एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो हमारी सिर्फ अभी 50 है। अब ये देखो फिर से पैच आ गया। ये आ गए हम ओंडा नागनाथ पे। जय भोलेनाथ। अब दर्शन तो कर नहीं सकते। जय भोलेनाथ। सुबह के 8:40 हो गए, लिया अभी एक छोटा सा ब्रेक, थोड़े से पैर रिलैक्स हो जाएंगे। अब तक तो ठीक ठाक चल रही है अपनी सवारी, और पीछे रोड देखो क्या गजब है, एक नंबर। सारे रतलाम तक ऐसे ही रोड मिलेगा ना तो मज़ा ही मज़ा आ जाए, बट हार्ड लक। अभी बज चुके हैं 8:42,
फिलहाल गूगल माता के हिसाब से हम रात को 9:09 को रतलाम पहुंचेंगे। एक्चुअली हम रतलाम नहीं जा रहे हैं, रतलाम से पहले सैलाना एक गाँव है वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे हमारे कानवन एक गाँव है वहाँ पे रुकेंगे। पिछले आधे घंटे से हाईवे बहुत 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 प्यारा है, बहुत क्लियर है रोड। और सामने जो हुंडई क्रेटा दिख रही है आपको, ये क्या दबा रहा है सच में। इसको देख के मैं आइडिया ले रहा हूँ कि मुझे कार कैसी चलानी, किस डायरेक्शन में चला रही है। सो फाइनली हम लोग सोच रहे थे कि खाना खाए, लेकिन कहाँ खाए। प्यारा सा मंदिर मिला है घाटी के अंदर, अब यहीं हम खाना खाएंगे। वाला नज़ारा देखो, आप देखते रह जाओगे। ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, बट आँखों से देखने की जो खुशी है ना, सब हरा भरा ऐसे लग रहा है बस किसी ने हरा रंग इसे छिड़क दिया हो। अगर जस्ट आप बुलढाणा क्रॉस करते हो तो क्रॉस करते ही घाटी में आपको ये छोटा सा मंदिर लगेगा। मन तो नहीं कर रहा यहाँ से निकलने का, लग रहा है कि थोड़ा देर और वेट करो, थोड़ा और फ्रेश हो जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा समय है नहीं। बरसात का मौसम है, शाम से पहले इंदौर घाटी क्रॉस करनी है, उसके बाद फिर आगे जाना है। अभी गूगल माता बता रही है कि हम लोग 9:30 पहुँच जाएंगे। अभी जो हमने टाइम यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है इसके हिसाब से आप 10 जाएंगे। सो वी हैव टू रश, बाय बाय। चलो चलते। और अभी जो दृश्य आपने देखा किले का, जहाँ पे बादल जस्ट किले की दीवारों को छेद रहा था, वो है आसीरगढ़। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं बोर्ड पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और पता नहीं मैडम क्या ले रहे हैं। अरे वही किले। अच्छा, आसीरगढ़ ही ले रहे हो आप। हाँ। ओके। ये अभी हम आ चुके ओमकारेश्वर, और ये नर्मदा नदी है जहाँ तक मुझे पता है एमपी की सबसे बड़ी नदी। क्लीन करना पड़ेगा पानी डाल के। इस रोड से जोर से ट्रक गुजरी और उसने ये हमारी हालत कर दी। थैंक गॉड की शीशा चढ़ा हुआ था, अगर खुला होता तो हम लोग गए थे। वाला वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने अभी आलू पराठे और दो बढ़िया कॉफ़ी पिए। मतलब कंटिन्यू है ना, ड्राइव करते करते माइंड थक गया था कि अब करूँ तो क्या करूँ, और आखिर में सच जवाब दे दिया था कि नहीं अभी तो रुकना ही, आप कोई भी होटल आ जाए यहाँ स्टे कर लेंगे, बिकॉज ड्राइविंग में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एक्चुअली मैं इतना थकता भी नहीं, 700 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल जो हालत हुई है हमारी सबकी, वो फिजिकल वीकनेस पे मेंटल वीकनेस कभी भी भारी पड़ती है। खैर छोड़ो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और एक बात मैंने ऑब्जर्व करी, एमपी के जितने पब्लिक टॉयलेट होते हैं ना, अच्छे होते हैं कंपेरेटिवली अदर स्टेट। महाराष्ट्र की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छे होते यार, जाने के बाद गंदगी नहीं लगती। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं कानवन में। ये रतलाम से जस्ट 30-40 किलोमीटर पहले आता है, तो रात में हम लोग काफ़ी थक चुके थे, और आपको तो पता ही ये हालत क्या थी, कुकू हमें छोड़ के गई है। फिज़िकली जो थकान होती है ना, उसे तो हम कवर कर सकते हैं, बट जो मेंटली जो थकान होती है उसे कवर करना बहुत मुश्किल जाता है। बुधवार को दोपहर में 12-1 ममता का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर को जल्दी ले आना, कुकू अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। और जब वीडियो कॉल पे मैंने देखा तो कुकू बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, मैं समझ गया था कि अब ये नहीं रहेगी। तो भागा दौड़ा मैं घर गया, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी।
दर्द बहुत था क्योंकि बचपन से हमने उसे पाला था, उसे ले आए थे तब, वो पल आँखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। उसकी हर एक मस्ती, उसकी हर एक शैतानी बहुत 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 याद आ रही थी। अब पता था कि दूसरे दिन जाना है। रात में मैंने सोने की कोशिश करी बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, रह रह के उसकी एक 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 चीज़ याद आ रही थी। तो रात में जब भी उसे वॉशरूम जाना होता था मेरे बेड के ऊपर आके पैर रख देती, तो मैं समझ जाते कि उसे वॉशरूम जाना है। सबके बेड पे जाके सोती थी, सबके बेड पे खूब धमाली करती थी खूब। उसके नाखून इतने बढ़ते थे कि वो जब भी हमारे घर में चलती थी ऐसे लगता था जैसे कैटवॉक कर रही हो। उसके नाखूनों की हमेशा आवाज़ आती थी टक 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 टक। जब आप किसी पेट को पालते हो ना तो ही समझ में आता है कि पेट हमसे कितना जान लगाते हैं। और बोल दो यार, मतलब जिस किसी को भी बोलना है अपने दिल की बात हमेशा बोल दो, क्योंकि है ना जब समय निकल जाता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि इसे ये नहीं बोल पाए, इसके साथ मैं रह नहीं पाया, इसके साथ मैं खेल नहीं पाया। सो कुकु से तो मैंने ये बात सीखी है कि यार जो भी अपने दिल की बात है बिंदास सबको बोल दो, वक्त कब कहाँ कैसे करवट लेगा कुछ पता नहीं। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। कल हम नहीं रहेंगे तो फिर दिल में एक दर्द रहेगा कि यार काश मैं ये सब करता। खुल के जियो, खूब मज़े करो। सो फाइनली हमारे पास आरव आ गया है और आरव आज की एंडिंग करेगा। चलो एंडिंग करो फटाफट। हाँ फटाफट कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, गुड नाइट। बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इससे आगे मैं कुछ कुकू की मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करके जा सकते हो। बाय बाय। खिला दो मम। कुकु ले कुकु।